हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चीकू प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ। उसके ऊपर मैं जो भी खाद देती हूँ, मैं वो आज शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। कई सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, चीकू प्लांट पर चीकू आते ही नहीं है, फूल आते हैं लेकिन झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो उसके लिए मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी चीज़ जिसे डालते ही आपका वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाला है। और मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था जब पहली बार मेरे यहाँ पे फूल आए थे लेकिन गिर गए थे, और छोटे चीकू भी आए थे लेकिन वो अच्छे से मैच्योर नहीं हो रहे थे, गिर जाते थे वो बड़े होने से पहले ही। तो मैंने ये चीज़ डालने के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। पहली बार भी, ये दूसरी बार का चीकू है जब मेरे प्लांट पर आया है। पहली बार भी आया था, ये दूसरी बार है। और पहली बार थोड़ा कम आए थे लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा चीकू आए हैं मेरे प्लांट पे, आप देख सकते हो। और छोटे छोटे हैं लेकिन ये बड़े हो जाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हो मेरे प्लांट पे काफ़ी सारे चीकू लगे हुए हैं। और ये प्लांट मैंने बड़े साइज़ के पॉट में लगाया है। ये जो पॉट है मैंने, ये हैंडमेडेड है, मैंने घर पर बनाया है। ये देखिए, ये भी हैंडमेडेड है। और चार चीकू के प्लांट थे और एक पॉट में मैंने दो चीकू प्लांट लगाए हैं। ये भी पॉट मैंने घर पे ही बनाए हैं। ये पॉट कैसे बनाते हैं हैंडमेडेड, अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं इसके लिए एक नया वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। ये है चीकू का दूसरा प्लांट जिसमें कम है चीकू लगे हुए, लेकिन अच्छे है, बहुत ज़्यादा मीठे है ये चीकू। मैं आपको कह नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मीठे हैं ये प्लांट के चीकू। तो चलिए, वो कौन सी चीज़ है जो मैं अपने चीकू प्लांट पे अप्लाई करती हूँ हमेशा। पहली बार मैंने गोबर खाद का यूज़ किया था और अभी ये मैं यूरिया है जो मैंने दूसरी बार मैं डाल रही हूँ प्लांट के ऊपर। पहली बार मैंने गोबर की खाद दी थी लेकिन मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया था, चीकू कम लगे थे। लेकिन जब मैंने यूरिया यूज़ किया अपने प्लांट के ऊपर तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझे मिला है और अच्छे चीकू आए हैं अभी प्लांट में, आप देख सकते हो। मैंने हर 4-5 महीने के बाद यूरिया डाला है अपने प्लांट पे। और आपको ये बड़े साइज़ के प्लांट आप देख रहे हो, इसमें सिर्फ मैं दिखा रही हूँ आपको कितना यूरिया डालना है। यूरिया आप दे सकते हो विंटर में या तो फिर आप बारिश के मौसम में दे सकते हो। आप कोशिश करिए कि इसे समर में ना देगा, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है प्लांट के लिए, तो ये अच्छा नहीं होता है। तो आप कोशिश करें इसे विंटर में देने के लिए या फिर बारिश के मौसम में। और आप इसे शाम को ही दे सकते हैं, दोपहर के टाइम पे नहीं देना है और सन ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसे आप शाम को दे या तो फिर सुबह दे, उसके बाद आप इस प्लांट पे पानी डाल दें। कोशिश करिएगा कि आप इसे दोपहर को ना दें, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इसे आप अप्लाई करेंगे तो। तो ये है मेरे चीकू के प्लांट और अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। यूरिया को देने का और एक तरीका है, आप इसे 1 लीटर पानी में थोड़ा सा घोल के फिर आप इसको पानी के थ्रू ही आप दे सकते हो। लेकिन मैं हमेशा इसी तरीके से देती हूँ, तो आप इसी तरीके से भी दे सकते हो आप। तो गाइज, ये है मेरे चीकू के प्लांट और ये चीकू आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।